नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिस्ट और देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अशोका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। सुब्रमण्यम ने अपने इस्तीफे के लिए प्रताप भानु मेहता के जाने से जुड़ी परिस्थितियों का हवाला दिया। मेहता ने 16 मार्च को यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। करीब 2 साल पहले मेहता ने वाइस चांसलर का पद भी छोड़ दिया था। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि निजी और अपना कैपिटल होने के बाद भी अशोका यूनिवर्सिटी में अकादमिक अभिव्यक्ति और आजादी के लिए जगह नहीं है। सुब्रमण्यम ने पिछले साल जुलाई में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के तौर पर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। वो नए अशोका सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी के फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं। अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तीफा इस अकादमिक ईयर के आखिरी से प्रभावी होगा। सुब्रमण्यम ने खुद इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मालविका सरकार को भेजे अपने खत में दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।